Porsche. जीटी मस्टैंग रेलवे स्टेशन पे होती थी ये पहले, एक कॉइन डालो और रोहित कैसा लगा फोटो खींच के? पूरा मेला लग रहा है गाइस। टाइम क्या हो रहा है? 12 बजने वाले हैं। लास्ट टाइम मैं जब आया था तब भी इतनी भीड़ नहीं थी, बहुत ही रश है। वीकेंड है इसलिए। मेरी फोटो क्लिक कर दे मेरे पैसे के साथ। हां, आ जा तेरे बैंक के साथ तेरी फोटो क्लिक कर दो। रोहित के बैंक की एडवर्टाइजमेंट लग रही थी बहुत बड़ी, एक्सिस बैंक पल स्टोर। हाँ, वो एक्सिस बैंक आ गया फिर से किताले। नहीं, वही तो आ गई तेरी फोटो एक्सिस बैंक के साथ। म्यूजिक कहाँ चल रहा है? चल रहा है? वो देख रहा है गाड़ी, देख बहुत ही बढ़िया गाड़ी। जीटी मस्टैंग पोर्शे क्लब है, पार्टी चल रही है वहाँ पे, मस्त म्यूजिक का साउंड आ रहा है। पर हम लोग अभी क्लब जाने नहीं आए हैं, हम लोग तो ऐसे घूमने आए हैं यहाँ पे। अभी हम लोग तो ऐसे ही घर के कपड़ों में आ गए हैं नॉर्मली। यहाँ पे स्टेज सजा हुआ है भाई, यहाँ पे बॉक्सिंग होती है, ये बॉक्सिंग रिंग बना हुआ है, यहाँ पे सिटिंग एरिया है। लोग जा रहे हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, सारे रेस्टोरेंट एंड बार बने हुए हैं। एक दिन प्लान करके आते हैं यहाँ पे, है ना?
किसी रेस्टोरेंट या बार में पैसे ले आते हैं। तो अच्छा लग रहा है, पैसे लेके आना पड़ेगा। I just do it. एक फ्लोर और है ऊपर, देखियो ऑफिस भी है। ये वाला फ्लोर तो बिल्कुल खाली है, नीचे तो ऐसे भीड़ हो रही है जैसे मेला लग रहा है। ये मशीन चेक करो, रेलवे स्टेशन पे होती थी ये, पहले एक कॉइन डालो और वेट मेजर करो अपना। चलो गाइस चलते हैं घर वापस, हो गया हमारा साइबर अब। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत अच्छा एम्बियंस है, बहुत अच्छी लाइटिंग वाइटिंग है, बहुत अच्छा क्राउड है। यू मस्ट ट्राई, आपको ज़रूर आना चाहिए, मैं तो सजेस्ट करूँगा। यहाँ पे एक बार आइए यहाँ पे, और शाम को या रात को आओ तो बहुत बेटर है, क्योंकि लाइटिंग भी अच्छी है, मौसम भी अच्छा है, धूप भी नहीं लगेगी, पूरा ओपन है। लेकिन बारिश में और धूप में नहीं आ सकते आप लोग, तो इसलिए ट्राई करें कि रात में आए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, मजे आएंगे। और गाड़ी अंदर ही लगाएं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 50 रुपये पार्किंग है 3 घंटे के, और अगर आपने बाहर ही लगा दी तो आपके 100 रुपीज़ लग जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा देर रुकना है तो आप रुक सकते हैं, अनलिमिटेड पार्किंग है, क्योंकि बाहर 100 रुपये में। और हमें तो ज़्यादा देर रुकना नहीं था, पर हमें पता नहीं था, इसलिए हम लोग पार्किंग में वापस चलते, गाड़ी में चलते घर। गाइस ये रही अपनी गाड़ी, बाय बाय साइबर अप, इट वॉज नाइस टू सी यू, वी विल कम अगेन। चलो भाई सर, ये चल के आ रहा है, सभी बंदे ऐसे कर रहे हैं, सभी ऐसे गेट खोल खोल के बैठ रहे हैं, ये गलत है यार, गिर गए तो जान से हाथ धो बैठो। ये देखिए गाइज, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और गुड़गांव में इतना जल्दी डेवलपमेंट हो रहा है कि मतलब अभी मुश्किल से हम 2 हफ्ते पहले ही आए होंगे यहाँ पे, तब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सीधी रोड थी, डाइवर्जन बना के दूसरी साइड वाली रोड में ऐड कर दिया ये वाली रोड, और यहाँ पे पुल बन भी गए, मतलब उनकी नींव रख दी गई है ऑलमोस्ट। बहुत जल्दी यहाँ पे मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, जो भी ये बना रहे हैं बहुत जल्दी बन जाएगा।
आगे धोला कुआं, बिल्कुल खाली रोड है रात के टाइम। नाइट ड्राइव बहुत अच्छी लगती है, बट वही है स्पीड, ओवर स्पीडिंग ना करें और संभल के चलाएं गाड़ी तो बहुत बढ़िया। हमें लग रही थी बहुत तेज भूख, तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं। टीटी खाली रोड है फिर भी टीटी टीटी कर रहा है। गाइज हम लोग रुक गए हैं थोड़ा पराठे खाने के लिए, लक्ष्मी ढाबा है ये यहाँ पे पड़ता है। गाइज हम लोग हर बार यहाँ पे आते हैं और यहाँ से हम खाते हैं आलू पराठा। ये है ऊपर फ्लाईओवर के नीचे की तरफ पड़ता है, नारायणा है ये। धौलागुआ से आप सीधे आएंगे, सीधे रोड पे फ्लाईओवर पे नहीं चढ़ना आपको, नीचे ही है ये, लक्ष्मी ढाबा नाम से है। और यहाँ पे बहुत अच्छे कीमा पराठा और बहुत अच्छे अच्छे पराठे मिलते हैं, पर हम अभी आलू पराठा खा रहे हैं क्योंकि आपको जैसे कि पता है अभी चल रहे हैं नवरात्रे, तो नवरात्रे में हम कुछ खा नहीं सकते बाहर का, बट हम खा रहे हैं आलू पराठा। चलो भाई गाइस, ये आ गया हमारा आलू पराठा अचार चटनी और बटर के साथ। चलो इसे ख़त्म करते हैं। हमने खा लिए पराठे, बहुत अच्छे थे, टेस्टी थे। हमने एक खाया गोभी पराठा और एक आलू प्याज पराठा, सॉरी आलू पराठा, और बहुत अच्छा था आलू प्याज पराठा, सॉरी बार बार बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा था आलू पराठा। आलू पराठा खाया हमने और हमने खाया गोभी पराठा। तो चलो अब निकल चुके हैं, चलते हैं घर की ओर। हमें हो गया बहुत लेट, 1:21 हो गया है, टाइम का पता ही नहीं चला। बहुत मज़े आए हमें, बहुत इन्जॉय किया हमने। ये क्या चक्कर है, इतनी रात को भी जाम हो रहा है। टाइम देखिए 1:30 हो रहा है और अभी भी जाम लग रहा है। सही है, दिल्ली तो दिल्ली रहेगी। जाबीबाग चौक है ये, और यहाँ पे देखिए कमाल, ये 1:30 बज रहा है, 1:36 हो रहा है और फिर भी देख लीजिए कितना जाम हो रहा है, कितना बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है यहाँ पे। पता नहीं यार क्या होगा। तो गाड़ी मिस हो गया रोहित, और अपनी गाड़ी CNG फुल हो गई है, चल रहे घर। चलो रोहित की स्कूटी वो खड़ी, वो जा रहा रोहित। हाँ ठीक है, ओके बाय, ठीक है चलो हम चलते घर। को 2 बजे काम चल रहा है, देख लो ऐसे नहीं रोडें बन जाती हैं, 2-2 बजे तक काम करते हैं बंदे। पूरे मलबा पड़ा हुआ था, पूरा उठा लिया है, साफ कर दी रोड बिल्कुल रातों रात। सो गाइस आ गए हम घर पे वापस, और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कर लिए कपड़े चेंज, और बिल्कुल हिम्मत नहीं थी वीडियो शूट करने की, पर अब मेहनत नहीं करेंगे तो आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस कहाँ से देंगे। गाइस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जैसा कि आपने देखा बहुत मज़ा आया हमें आज, बहुत अच्छा था वहाँ पे एम्बियंस वगैरह, बहुत अच्छी लाइटिंग वगैरह थी, बहुत अच्छा क्राउड था वहाँ का, और हमें बहुत मज़े आए। मौसम भी बहुत अच्छा था, ठंडा ठंडा, बहुत अच्छी हवाएँ चल रही थी, और रात में बहुत मज़े आते हैं वहाँ पर जाके। तो आप, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रात में ही जाएँ वहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है। सो चलो गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए। चलो मिलते हैं फिर ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में, टिल देन।